मित्रों नमस्कार, मैं विवेक ये कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों कहानियों की श्रृंखला में आज मैं एक बार फिर से पंचतंत्र की एक नई कहानी लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है बगुला भगत और केकड़ा। ये कहानी आप पूरा सुने और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे ऐसी ही मनोरंजक कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। मित्रों इस चैनल पर अलग अलग लेखकों के प्लेलिस्ट मौजूद हैं, साथ ही पंचतंत्र का भी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप इन प्लेलिस्ट के माध्यम से भी कहानियों को सुन सकते हैं। लीजिए प्रस्तुत है कहानी बगुला भगत और केकड़ा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर थीं। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर से हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूं। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का तो नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी तो अब सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहां 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़ दौड़ बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है, वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं, तो बचाव हो सकता है। अब समस्या थी कि वहां जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी, बोला, मैं तुम्हें एक एक करके पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के 12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। इससे तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बनने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वह खूब मोटे हो गए, मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं
ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहां से वहां पहुंचा दिए लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा, वो जलाशय कितनी दूर है मामा। बगुला भगत ठाठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहां कोई जलाशय नहीं है, मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहां लाकर खाता रहता हूं, आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत ही अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरू न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। सीख, किसी की भी बातों में आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। मित्रों, ये थी पंचतंत्र के पहले तंत्र मित्रभेद की कहानी, बगुला भगत और केकड़ा। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सारी कहानियां कैसी लग रही हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे ऐसी मनोरंजक कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। मित्रों, इस चैनल पर पंचतंत्र का प्लेलिस्ट मौजूद है। आप पंचतंत्र प्लेलिस्ट में जाकर के भी कहानियों को क्रमानुसार सुन सकते हैं। इसके साथ ही अनेकों लेखकों के प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं। आपको वहां से हर एक लेखक की कई कहानियां मिल जाएंगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।